हेलो एवरीवन, आप सबको स्व अध्ययन पर स्वागत है। जय जगन्नाथ। आज हम पुरी स्थित श्री जगन्नाथ जी के बारे में कुछ रोचक बातें जानेंगे। श्री जगन्नाथ श्री विष्णु जी और कृष्ण जी का ही अवतार है। माना जाता है कि भगवान विष्णु जी जब चारों धामों पर वसे अपने धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान श्री कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम चारों धामों से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजित हैं। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। श्री जगन्नाथ मंदिर का एक बड़ा आकर्षण यहाँ की रसोई है। यह रसोई भारत की सबसे बड़ी रसोई के रूप में जानी जाती है। यह रसोई मंदिर के दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। इस रसोई में भगवान जगन्नाथ के लिए भोग तैयार किया जाता है। माना जाता है कि यहाँ बनाया जाने वाला हर पकवान हिंदू धर्म पुस्तकों के दिशा निर्देशों के अनुसार ही बनाया जाता है। भोग पूर्णतः शाकाहारी होता है। भोग में किसी भी रूप में प्याज व लहसुन का भी प्रयोग नहीं किया जाता। भोग निर्माण के लिए मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किया जाता है। रसोई के पास ही दो कुएं हैं जिन्हें गंगा यमुना कहा जाता है। केवल इनसे निकले पानी से ही भोग का निर्माण किया जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ की रसोई स्वयं माँ महालक्ष्मी जी बनाती हैं। जगन्नाथ मंदिर के प्रसाद को महाप्रसाद माना जाता है, जबकि अन्य तीर्थों के प्रसाद को भोग या प्रसाद कहते हैं। कहते हैं कि श्री जगन्नाथ को याद करने से वो डोरी लगाते हैं और जिसको डोरी लगता है वही पूरी जाकर श्री जगन्नाथ जी को दर्शन कर पाता है। जय जगन्नाथ। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा